बर्बादी और तबाही के इस मंजर ने हर दिल को झकझोर कर रख दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन न जंग की दशा का पता चल रहा है न दिशा का। न रूस यूक्रेन की नीति का और न ही इन दोनों की नियत का। खेरसन खात्मे की कगार पर है, खारकीव का हाल बेहाल है, मारियूपोल मटियामेट हो गया है, मेटिलोपोल में मातम है, इरपिन में चित्कार, और रूस की ताकत के सामने राजधानी कीव का किला किसी भी वक्त ढह सकता है। युद्ध के 18वें दिन भी यूक्रेन जख्मी हो रहा है। वासिल कीव शहर में आयुध डिपो पर रूस ने जमकर बमबारी की। वोल्नोवाखा शहर पर भी रूस ने हमला बोला है। मारियूपोल शहर की इमारतों पर टैंक गोले बरसा रहे हैं। कीव के बेहद करीब पहुंच चुकी है रूसी सेना। कहा जा रहा है कि पुतिन की फौज राजधानी में राष्ट्रपति भवन से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए ऑब्स्टेकल जो हैं, ये यहाँ जगह जगह हर सड़क के ऊपर हैं, ताकि जो टायर वाली गाड़ियां हैं, रबर के टायर वाली गाड़ियां हैं, उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जा सके, रोड को जब जरूरत पड़े बंद किया जा सके, और जो वो है वो इसको किसी भी तरह से क्रॉस ना कर सके। तो इस तरह की तैयारी शुभांकर इस वक्त कीव शहर के अंदर गली गली में है, हर रोड पे है, कोने कोने में है। हालांकि जंग में बर्बाद होते यूक्रेन को लेकर उम्मीद की एक आस जरूर बंधी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने माना है कि बातचीत सकारात्मक दिशा में जा रही है। रूस यूक्रेन के बीच इसराइल भी मध्यस्थता कर रहा है और इसके नतीजे सामने आ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जेरूशलम में पुतिन से सीधी मुलाकात के लिए तैयार है। फिलहाल चौथे दौर की बातचीत की तारीख और जगह का खुलासा नहीं हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी लगातार पुतिन के संपर्क में है। यूक्रेन युद्ध के हालात पर भारत भी फिक्रमंद है और दिल्ली में पीएम मोदी ने इस पर बैठक भी की है। हालांकि राहत की आस के बीच यूक्रेन को अभी राहत मिल नहीं रही। रूस की भारी बमबारी में बेलासर्कोव के इस इलाके में, रिहायशी इलाके में भारी तबाही। एक नहीं, दो नहीं, कई घर यहां पूरी तरह से अब नष्ट हो चुके हैं। जैसे आप इस घर में देखिए, एक के बाद एक कई रॉकेट आए और ये घर ध्वस्त हो गया। लेकिन एक ही घर इस तरह का नहीं है। अगर आप पीछे देखिए तो वहां बच्चों की खेलने की जगह, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, वो घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। और इतनी तबाही यहां पर मची है कि अब इस इलाके से लोगों को छोड़कर जाना पड़ा है। रूसी हमलों के खौफ से यूक्रेन के लोग अपना घर बार छोड़कर या तो देश के बाहर जा रहे हैं या फिर बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। जो बच गए हैं वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो जो प्रशिक्षण एक आम सैनिक को 3 महीने में मिलता है, वो इन सभी लोगों को 3 दिन में पूरा करना पड़ता है। कलाश्निकोव राइफलों की ये ट्रेनिंग जो है, ये क्लास में पहले की जाएगी और उसके बाद ये जाकर बाहर अपनी निशानेबाजी का अभ्यास करेंगे। लेकिन समय इनके पास बहुत ज्यादा सीमित है और उतने समय में ही इन्हें पूर्ण रूप से एक सैनिक के तौर पर तैयार। रूस की सैन्य ताकत के सामने यूक्रेन की क्षमता कहीं नहीं टिकती, लेकिन लोगों के हौसलों को राष्ट्रपति जेलेंस्की के जज्बे वाले संदेश परवान चढ़ा रहे हैं। मिलियन लोगों в різних країнах, які ще 17 днів тому могли і не відчувати, що спільне у них, у всіх є, у нас, у всіх є, а зараз це очевидно: мир, свобода, любов до своїх дітей, дітей, заради яких ми воюємо, щоб вони мали майбутнє. जेलेंस्की भले ही रूस को नुकसान पहुंचाने के लाख दावे करें, लेकिन इस वक्त जरूरत है हकीकत और अपनी क्षमता के हिसाब से देश हित में फैसले लेने की। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है और ऐसे में विश्व यही उम्मीद कर रहा है कि रूस और यूक्रेन में जंग जल्द से जल्द खत्म हो। श्वेता सिंह और राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन, आज तक।